कोरोना वायरस जैसी महामारी में पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसी के चलते हुए हर महीने बंटने वाले राशन को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्कता बरत रहा है। छाता नायब तहसीलदार राकेश शर्मा कुशीकला पहुंची, जहां पर राशनों की दुकानों पर काफी मात्रा में भीड़ लगी हुई थी। कुछ दुकान ऐसी थी जहां पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा था, तो कुछ दुकान ऐसी थी जहां पर कुछ लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा था। हम आपको बता दें कि पहले राशन की तारीख 5 हुआ करती थी, लेकिन कोरोना वायरस जैसी महामारी में लॉकडाउन के बाद इसको घटाकर महीने की 1 तारीख कर दी। महीने का पहला दिन पहली तारीख की वजह से इतनी लंबी लाइन देखने को मिली। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इस कड़कड़ाती गर्मी में वह परिवार मजबूर है राशन के लिए, जिन पर अपने घर में पर्याप्त राशन नहीं है। इस संदर्भ में जब हमने नायब तहसीलदार छात्र राकेश शर्मा से बात की, तो उन्होंने बताया कि मैं सुबह की यहां पर आई हूं और मैंने सारे राशन डीलरों के पास जाकर देखा और मुझे भीड़ मिली। मैंने सभी राशन डीलरों को चेतावनी देते हुए कहा, आप यहां पर सभी प्रकार के आदेशों का पालन कराएं। अगर कोई नहीं मानता तो उसको समझाएं कि वह आदेशों का पालन करे। गोपाल गोपाल आप आए हो, यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग रही है राशन खरीदने पर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने भी 4-5 दुकानों का यहाँ पे राशन डीलर का सर्वे किया है। वहाँ पे कोसी में तो ठीक व्यवस्था है, ये पहले डीलर है, यहाँ पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा मिली थी। मैंने इनको बोला कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए वितरण किया जाए, और क्योंकि गर्मी भी बढ़ रही है तो क्यू में लगाएं लोगों को, छाव का और धूप का भी थोड़ा ध्यान रखें, और अगर मैनेज नहीं हो रहा हो तो कुछ टाइम पीरियड या एक यहाँ पर टाइम टेबल लगा देंगे, उसके अकॉर्डिंग कार्ड वाइज लोग आने लगे। जैसे यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा देखने के लिए 3-3 लाइन लगी पड़ी हैं, तो ऐसा मतलब उसके लिए मैंने इनको निर्देशित कर दिया है। मैं दोबारा भी चेकिंग पर आऊँगी और डीलर साहब को भी बोल दिया मैंने, अभी मेंटेन करके चलेंगे। तो आशा वर्कर है, उनकी भी ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन थोड़ा हॉटस्पॉट था यहाँ पे माहौल, लेकिन अब ये लोग मेंटेन करेंगे।